करता हूँ, खैरियत सुनूँ, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ ईमी कैंपस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का म्यूज़ियम है। आज मैं स्टार्टिंग अपनी ब्लॉग की यहाँ से कर रहा हूँ। या इस तरफ जो देख रहे हैं ये जूलॉजी म्यूज़ियम है, ये इस टाइम बंद है। मैं शायद आज की वीडियो में वरना अगली वीडियो में थोड़ा लेट आके जब इसको आपको दिखाऊँगा अंदर से, ठीक है जी। एक बोर्ड इसके भाई लग रहा है, यहाँ पे उर्दू में और इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। इस तरह का गेट है, म्यूज़ियम के अंदर मैं कई साल पहले आया था तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है इसके अंदर है क्या है। काफ़ी साल से मैं इसके अंदर आया नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला आने का कभी। आज मैं स्पेशल ब्लॉग की उससे आया था लेकिन ये बंद निकला। चलो जब ये खुलेगा जब एक बार और चक्कर मारूंगा यहाँ का आप लोगों को दिखाने के लिए। शायद इसके अंदर शूट हम कर पाएंगे वीडियो, वरना अक्सर कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे मेरी लाइब्रेरी है मालूम मैं कर देते हैं आप शूट नहीं कर सकते। इसके अंदर मुझे उम्मीद है यहाँ मैं शूट कर लूँगा, आपको दिखा दूँगा अंदर से कैसा है। चलो वापस करते हैं, आगे कुछ है नहीं, वापसी का व्यू देख लो आप। अभी सुबह के जो है 6:20 हो रहे हैं। अबू कलाम आज़ाद लाइब्रेरी शायद वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड बिगेस्ट या फोर्थ ऐसे कुछ लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी। चलिए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, वैसे हम लोग इसके अंदर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आए हुए हैं। सुबह के अब 6:25 हो रहे हैं। ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद लाइब्रेरी है, इसके नाम से पता चल रहा है ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जब इसकी ओपन हुई थी ये पे लाइब्रेरी तो उस टाइम पे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इसका रिबन काटने आए थे। इसका फ्रंट गेट, यहाँ पे गार्ड बैठे हुए हैं। वही सामने ग्राउंड गार्डन, इसमें जो बच्चे लोग अंदर जो पढ़ते हैं वो थक जाएं पढ़ाई से थोड़ा, तो यहाँ थोड़ा ग्राउंड में आके थोड़ा मूड फ्रेश कर लें, थोड़ा हंस बोल लें बैठें। बड़ा अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। अच्छा जब आपको ऐसे माहौल मिलेगा तो पढ़ाई करने का भी दिल चाहता ही होगा। घर से जब भैया जब आपको ऐसे माहौल मिल रहा है तो आपका दिल तो चाहेगा। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। सोच रहा है मैं काफ़ी जल्दी आ गया, अगली वीडियो में जो है ना मैं थोड़ा लेट आऊँगा, मैं ऐसे कहीं 11-12 करीब, उस टाइम पे जो है ना कि सब ओपन होगा तो मैं आपको सब दिखाऊँगा अंदर अंदर से भी हर चीज़ एकदम। पर ये बात तो है सुबह सुबह के वक्त आने पर ना कि चूहे की आवाज़ें कौवे की आवाज़ें मतलब फील ही अलग होता है। जो बात है सुबह सुबह निकलना आना टहलना काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून से लगता है। ना कि ट्रैफिक ना, आप जब सुबह यहाँ पे आओगे 12-1 करीब या 1 करीब तो आप इतना शोर होता है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो लोग भी होते हैं, जो आम लोग होते हैं रोड पे वो लोग भी होते हैं, हॉर्न सबके चलते रहते हैं उधम रहता है। लेकिन सुबह का वक्त जो होता है वो बहुत सुकून का होता है, इत्मीनान का। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ना ये फील करने की होती है। पता नहीं वीडियो में आ भी रही हो नहीं आ रही, पता नहीं मुझे शायद आ रही होगी। काफ़ी सुकून है, ऐसा है यहाँ पर कम से कम थोड़ी देर रुक के बैठा जाए
बस कुछ ना करके बस आवाज़ सुनी जाए, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के पीछे की तरफ। ये लाइब्रेरी के पीछे का व्यू, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये दिख रही होगा यार पेड़ के पीछे इसकी फ्लोर्स, दिखाता हूँ आपको फ्लोर्स के, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एक दो तीन चार, चार लाइब्रेरी के बिल्कुल जस्ट पीछे वाली साइड जो है इसकी, उस तरफ ये आ गया आपका कैंडी हॉल, कैंडी हॉल भी आ गया आपका, वो आगे वाला ये वाला ये आपको कैनेडी हॉल है। और ये वाला जो दिख रहा है ये वाली बिल्डिंग, ये भी एक म्यूज़ियम है, ये भी बंद है अभी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ। बाहर था तो मुझे वाला छोटा गेट का, ये गेट ओपन था तो यहाँ से मंदिर आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कैनेडी हॉल, कैनेडी हॉल में ये होता है जैसे कि एमयू में जो है हर साल सर सैयद डे पर जो है सर सैयद अहमद खान का जो है पूरा लाइफ का प्ले होता है, तो वो प्ले यहाँ 3 या 4 दिन चलता है, तो वो यहाँ होता है। और एक बार जो है जब यहाँ से वो नसीरुद्दीन शाह जो है हमारे एक्टर, वो यहीं के एमयू के पड़े हुए हैं, तो वो भी यहाँ आए थे, तो वो यहीं आए थे कैनेडी हॉल के अंदर ही। इसका एंट्रेंस का गेट यही है, ये अंदर से काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम 500 या फिर 1000 लोग अंदर आ सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट, कैनेडी हॉल से बाहर निकलेंगे तो रोड पार करते ही ये गेम्स कमेटी आ गई है। गेम्स कमेटी में जो है फटाफट दिखा दूँ मैं आपको, ये हो गया फुटबॉल का ग्राउंड, ऐसे अलग अलग फुटबॉल का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, हॉकी का हो गया, स्केटिंग का हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, हर तरीके से ग्राउंड है ये गेम्स कमेटी में। स्केटिंग ग्राउंड और ये फुटबॉल ग्राउंड, ये कैंपस का नॉर्थ गेट, सर सैयद मस्जिद बॉयज़ हॉस्टल के अंदर एंट्री करने का। अब हम आ चुके हैं सर सैयद मस्जिद का, ब्लॉग में पहले भी डाल चुका हूँ लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा सर सैयद मस्जिद का एरियल व्यू ऊपर से। सोलर पैनल, सब बताऊँ तो मैं आज पहली बार ऊपर आया हूँ, पहली बार ही मेरे पहली बार ऊपर आएगा सरसैयद मस्जिद का एरियल व्यू, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। वापसी में दिखाऊंगा मैं आपको रास्ता कि कहां से आया हूं मैं। अब भैया ये रास्ते की, ये रास्ता, ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऐसी बन गई हैं खड़ी, उसी टाइम भी लग रही है सारी। जोग्राफी का डिपार्टमेंट है कोई, बी गुड बी फाइन लिव योर लाइफ ड्रीम बिग डोंट फॉरगेट टू बी काइंड लिव इट्स योर लाइफ. Rocks are meant to be picked off. And-